तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है अमेज़ोन का सेटिंग्स का दूसरा वीडियो है। तो पहले भी मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर अमेज़ोन के बारे में वीडियो बना कर रखे हैं यहाँ पर। तो किस तरह से आपको अकाउंट को क्रिएट करना है, किस तरह से आपके अकाउंट के क्रिएट करने के बाद उसकी प्रोफाइल सेट करनी है, साथ ही साथ बैंक अकाउंट को किस तरह से लॉन्ग यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो और भी मैंने वीडियो अमेज़ोन की एंटर करके रखी प्ले लिस्ट में, तो वहाँ जाकर आप देख ले। तो बेसिकली जो भी हमारा जो यहाँ पर पहला सेटिंग्स का जो वीडियो था, वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। तो हर सेटिंग्स की यहाँ पर अपनी अपनी खूबी होती है, यहाँ पर उसकी इफेक्ट होती है। तो यहाँ पर अमेज़न का ये दूसरा पार्ट है सेटिंग्स का, तो हम देखते हैं किस तरह से सेटिंग्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि डिजिटल कंटेंट एंड डिवाइसेस क्या होते हैं। तो अगर आपने ऐप्स या तो फिर कोई दूसरी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, तो अमेज़न के ऐप्स वगैरह जो आप एंड्रॉयड में यूज़ करते हो, तो उसका कंट्रोल जो होता है किस तरह का आप देखना चाहते हो, देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कौन से डिवाइस के अंदर सर आप देख सकते हो यहाँ पर, और योर डिवाइस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, किसी भी मोबाइल के साथ एंटर नहीं किया है। ओके, फिर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर और यहाँ पर कुछ सिस्टम बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी हमारा अमेज़न अकाउंट जो होता है वो कोई ना कोई कंटेंट और डिवाइसेस के साथ हम यूज़ करते हैं। डिवाइस का मतलब होता है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, और साथ ही साथ और भी अलग अलग डिवाइसेस। तो यहाँ पर उसकी पूरी यहाँ पर रिजल्ट होती है, यहाँ पर कितनी चीज़ आपने परचेज़ की थी, उसकी डेट सब कुछ यहाँ पर होती है। डिवाइसेस पर क्लिक करोगे तो डिवाइसेस होगी यहाँ पर, प्रेफरेंसेस कोई भी आपके ऊपर प्रेफरेंसेस, मतलब आपने कुछ यहाँ पर पेमेंट सेटिंग्स वगैरह, यहाँ पर कंट्री रीजन सेटिंग्स करना है, तो आप जैसे ही आप एड्रेस फिल करते हो तो उसके अंदर सब कुछ आता है यहाँ पर। और एलेक्सा प्राइवेसी यहाँ पर देख सकते हो, तो ये प्राइवेसी ही होती है यहाँ पर, तो इस प्राइवेसी के बारे में पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो। ओके, मैंने तो पढ़ लिया है, लेकिन आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो आप अपने तरीके से। तो अब ऑर्डर दे सकते हो, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम जो होता है वो ऑर्डर किस तरह से हमें पसंद करना है, हमें किस तरह से चीज़ों को पसंद करना है। फिर यहाँ पर ईमेल अलर्ट मैसेज एंड एड्स, तो अलर्ट मैसेज एंड एड्स ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है यहाँ पर, क्योंकि आपके जीमेल के अंदर जैसे जैसे यहाँ मान लो कि किसी ने नया सेलर अकाउंट ओपन किया, अमेज़न के साथ कोई नई कंपनी ज्वाइंट हुई या तो कोई नई शॉप यहाँ पर एंटर हुई, उसने आप बताया कि मुझे ये सेल करना है आपकी अमेज़ॉन के ऊपर, तो वो जिसे एंटर होता है इसका कंफर्मेशन होता है कि आप मर्चेंट की तरह काम कर सकते हो। मर्चेंट का मतलब होता है यहाँ पर जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है वो, तो वो नया प्रोडक्ट एड्स जैसे ही एंटर करेगा तो अपने ईमेल अलर्ट मैसेज एड्स जो है उस पर बताएगा कि ये नए प्रोडक्ट आए हैं इतने टाइम के अंदर। और दूसरा वो चीज़ कि अगर किसी चीज़ को आपको ढूंढना है आपने उसको पेंडिंग रखा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कार्ट होते हैं यहाँ पर, इसको आपने ख़रीदा नहीं है, तो वो कार्ट क्या होती है कि बेसिकली एक जगह पर स्टोर हो कर देता है, जैसे कि हमें कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम कार्ट एड कार्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो जब हम पैसा आएगा तो वो चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर सर्च के ऊपर। ओके, डायरेक्टली आप इस जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वो चीज़ आपको सामने आ जाएगी। ओके, तो वो भी अलर्ट बताता है कब, जबकि उसका जो प्राइस जो होता है लो होता है तब, या तब उसकी प्राइस जो होती है उसकी जो यहाँ पर उसकी कीमत जो होती है बढ़ती है, तो यहाँ पर उसकी जो प्राइस कम होती है बढ़ती है वो डिपेंड है उनके ऊपर जो लोग सेलर सेल करते हैं यहाँ पर। तो अमेज़न क्या करता है, उनके ऊपर अपना जो हिस्सा होता है कुछ 1% 2% वो एंटर करता है यहाँ पर, और शिपमेंट जो होता है यहाँ पर जो लोग ट्रांसफ़र करते हैं उनका भी 2% क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। फिर आप देख सकते हो कम्युनिकेशन प्रेफरेंस, आप देखते हो कि कम्युनिकेशन प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर बेसिकली SMS के साथ कि अलग अलग कम्युनिकेशन आपको कम्युनिकेशन किस तरह से करें, तो इसके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। मैसेज सेंटर देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैसेज के लिए होता है यहाँ पर, यहाँ पर एलेक्सा शॉपिंग नोटिफिकेशन मैंने कहा था। फिर यहाँ पर मोर वेज पे होता है यहाँ पर, तो और भी रास्ते हैं यहाँ पर पे करने के लिए, अमेज़न है, बैंक अकाउंट रिफंड
बैंक अकाउंट होता है, एग्जैक्टली आपको रिफंड मैंने कहा था। कूपन्स क्या होती है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आपने कूपन्स कोई खरीदी है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर पेटीएम पर कूपन्स होते हैं, यहाँ पर तो एक कूपन कब मिलती है, जब आप अच्छी तरह से पॉपुलर कोई चीज़ नई अच्छी आई है उसके साथ। आपने देखा होगा कि इस तरह से यहाँ पर जो 5% 10%, ये आपको क्या करता है कि एक कोई भी चीज़ खरीदो उसके ऊपर आपका 5% जो है वो आपको चेक करने के बाद आपको अच्छा लगता है, तो आप जैसे ही खरीदते हो तो वो कलेक्ट करने का एक कूपन होता है यहाँ पर। तो कूपन जो होती है वो जैसे ही आप कूपन आप एंटर करते हो, उसका कोड जो होता है उसके ऊपर, जब हम परचेस करेंगे तो हम उसके ऊपर कोड जो होता है वो कोड का नंबर एंटर करेंगे, तो हमें 5% बेनिफिट होगा। मान लो कि 1000 का है और इसका 5% हमें जो बेनिफिट, मतलब हमें यहाँ पर 5% की जगह मैंने 80% है यहाँ पर। मान लो कि मैंने ये चीज़ खरीदी, अभी इसका इमेज नहीं आया तो ये कौन सी चीज़ हमें दिखती है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही आपको लगता है कि वेबसाइट ठीक तरह से ओपन नहीं हो तो उसको फिर से लोड करो यहाँ से आकर। ओके, तो ज़्यादातर लोग गूगल क्रोम यूज़ करते, तो इस गूगल क्रोम के ऊपर ही यहाँ पर देखते कि यहाँ पर उस चीज़ का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फोटो नहीं है, तो इमेज अवेलेबल नहीं है। तो मान लो कि मैंने कोई ऐसी चीज़ खरीदी कि 10% है, ओके, ये कुछ यहाँ पर बॉडी लोशन है यहाँ पर, तो बॉडी के लिए मैंने मान लो कि ये चीज़ मैंने खरीदी 400 ml की। अब मान लो कि इसका जो रुपीस है 1000 का है, ऐसे फिर मान लो कि 300 रुपये का, तो 300 रुपये का 10% जो होता है वो 10% के हिसाब से मुझे पैसे नहीं देने होंगे, ये कूपन के ऊपर होता है यहाँ पर। और वो कूपन मुझे मिलती है तो मैं कोई और शॉपिंग करता, तो जैसे मैं उसको यहाँ पर ऐड करता हूँ कोई भी कूपन, तो उससे क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के थ्रू ये कूपन का कोड जो होता है वो कोई कंप्यूटर हो या फिर आप मोबाइल से यूज़ करते हो, लैपटॉप से कोई भी हो, लेकिन वो कोड जो होता है एक्टिव होता है और आपके पास होता है, तो उसके सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। और आपने मान लो कि 1000 की कोई चीज़ खरीदी तो उसका 10% आपको पैसे चुकाने नहीं होंगे, तो वो हो सकता है कि 800 रुपये, 200 रुपये कम हो जाए। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से आपको सेट करना है यहाँ पर ये कूपन होते हैं। ओके, जिससे हमें बेनिफिट मिलता है हमें, तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्टली वो क्या कर लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, तो एक कूपन होती है यहाँ पर। ओके, फिर आपको यहाँ पर विश लिस्ट मैंने बताई यहाँ पर, तो विश लिस्ट क्या होती है कि मान लो कि कोई चीज़ मुझे खरीदनी है तो एक लिस्ट होती है जो यहाँ पर क्रिएट करनी होती है हमें। विश लिस्ट का मतलब होता है कि हमें ऐसा कोई सिस्टम जो क्रिएट करना होता है लिस्ट के साथ, जो हमें प्रोडक्ट के साथ हमें बताया कि कौन सी आपकी यहाँ पर ज़रूरी है यहाँ पर, तो शॉपिंग लिस्ट जो होती है वो शॉपिंग लिस्ट जो होती है वो आपको इंटर करनी होती है। और ये पब्लिक रखनी है या प्राइवेट रखनी है वो आपको यहाँ पर अमेजोन, जैसे हम घर का कोई सामान जो खरीदते हैं तो कोई भी चीज़ हम यहाँ पर एक लिस्ट बना देते हैं, हम वो लिस्ट के हिसाब से हमें क्या मिलता है, हमें एक शॉपिंग लिस्ट का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हमें एक फैसिलिटीज प्रोवाइड मिलती है यहाँ पर। और जैसे ही आप कोई भी आप लिस्ट अपलोड करते हो या तो फिर आप क्रिएट करते हो, तो मान लो कि मैं क्रिएट करता हूँ विश लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, तो माई शॉपिंग करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो माई शॉपिंग करके मैं लिखा, और ये प्राइवेट रखना चाहता हूँ, प्राइवेट रखना, और यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ओके, तो मैंने शॉपिंग लिस्ट मैंने क्रिएट की। अब इसके अंदर मैं एंटर करने जाऊंगा कि कौन सी आपको ज़रूरी चीज़ें आपको ऐड करनी है, तो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पर शॉपिंग लिस्ट क्या होती है कि जब जब आप कोई ऐड करते जाओगे ऑर्डर, तो उस ऑर्डर को यहाँ पर बताया गया यहाँ पर शॉपिंग लिस्ट के अंदर। ओके, तो ये प्राइवेट रखना है तो रख सकते हो, यहाँ पर पब्लिक रखोगे तो कोई देख सकता है आपको, देख सकते हो आपको फ्रेंड को आपको इन्वाइट करना है। मान लो कि आपके कोई फ्रेंड के लिए आपने कुछ अमेज़न के ऊपर से ख़रीदा, तो ये इनवाइट करोगे तो वो भी चेक करके देख सकता है कि किस तरह से, हमें वो भी देख सकता है यहाँ पर कि किन किन चीज़ों को यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर क्या उसने ख़रीदा है। ओके, तो ये अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज दी है यहाँ पर, तो योर आइडिया लिस्ट है, योर फ्रेंड्स वगैरह जो भी आप एंटर करना चाहते हो। ओके, तो अभी तो हम बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो कूपन के बारे में बात करते थे। बैंक अकाउंट के अंदर आपको रिफंड चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको, डिफॉल्ट परचेस मैंने आपको कहा था कि जब आप खरीदते तो डिफॉल्ट सेटिंग्स पर लेगा,
डिफॉल्ट मतलब वो पहली प्राइमरी सेटिंग्स होती है जो आपने सेट नहीं की है, तो आप आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, समझाता हूँ आपको किस तरह से यहाँ पर डिफॉल्ट परचेज सेटिंग्स क्या होती है। तो डिफॉल्ट परचेज सेटिंग्स का मतलब ये है कि जो भी आप पहली फर्स्ट आप कोई भी सेटिंग्स के थ्रू आप परचेस करते हो, खरीदते हो यहाँ पर, तो उसकी एड्रेस जो होती है यहाँ पर एंटर होती है यहाँ पर। ओके, तो आपने जो एंटर किया होगा अपने एड्रेस वो यहाँ आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते इस तरह से। तो अलग अलग यहाँ पर पे करने के लिए आप बैंक अकाउंट रिफंड जो करते हो, यहाँ पर आपको रिफंड मिले, आपको पैसा मिले, तो आपको एंटर न्यू बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी यहाँ पर। तो अगर आपको करनी है तो आपका ये अपन नेम होगा यहाँ पर। अगर आपको चेंज करना है तो आपको पहले क्या करना होगा, डिलीट करना होगा अकाउंट, तो अकाउंट डिलीट आप कर सकती हो। लेकिन मैं बेसिकली बताने चाहता हूँ कि बैंक अकाउंट अगर आपका रिफंड आता है तो रिफंड तो वैसे तो आपका आ जाएगा जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यहाँ पर एंटर करते हो। तो ओके, तो देखते हो कि यहाँ पर डीडीओ कार्ड या IFSC कोड, तो आप जानते हो IFSC कोड एंटर करना होगा आपको। तो IFSC कोड आप जैसे एंटर करोगे तो वो आपका बैंक अकाउंट जो है इन्फॉर्मेशन ले लेगा यहाँ पर। तो इसका मेन बेसिकली यही चीज़ होती है यहाँ पर। ओके, फिर आपको जैसे देखिए ऑपरेटिंग एंड शॉपिंग प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग होता है, जब ऑर्डर करती है तब अब हम शॉपिंग करते हैं तब इसकी प्रेफरेंस क्या होती है। तो लीव पैकेजिंग फीडबैक, आपको पैकेज जो होता है, जो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ आप पैकेज परचेस करते हो कुछ भी है, तो इसके बारे में कुछ आपको लिखना है या तो फिर आपको समझना है, यहाँ पर फीडबैक ऐड करना है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसके हेल्प सेंटर है यहाँ पर, लिस्ट है, फोटो आईडी, प्रूफ, प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल होती है यहाँ पर। तो स्टेप, तो मैं प्रोफाइल सेट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करो, प्रोफाइल जैसे ही आप सेट करोगे तो यहाँ पर मैं कोई ऐड कर लेता हूँ अपना फोटो, जिससे मुझे पता चले कि जब भी मेरा कोई भी यहाँ पर मैं लॉगिन हो तो मुझे कोई फोटो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं ये फोटो ऐड कर लेता हूँ। ओके, इसको जैसे तो यहाँ पर की ऑप्शनल है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एंटर करना है, यानी कि नेम है और आपका सिटी स्टेट, तो आपको ओके मैं एंटर कर लेता हूँ लोकेशन, लेकिन आपको ऐड करना नहीं है तो ये आपको ऐड करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, आपकी इच्छा। तो पब्लिक नेम ही बताया यहाँ पर, जैसे तो सबमिट मैंने कर लिया प्रोफाइल के अंदर। अब यहाँ पर बैकग्राउंड, यहाँ पर प्रोफाइल की कवर फोटो होता है यहाँ पर, तो कवर फोटो भी मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, इस तरह से। तो ये कवर फोटो हो गई हमारी, अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर, चेंज हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा टाइम लेगा। आप यहाँ पर हेल्पफुल वर्ड्स किसने किए, रिव्यूज़ किसने, फॉलोवर्स आपके कितने हैं, तो ये भी यहाँ पर अच्छी तरह से आपको फॉलोवर्स वगैरह आपको बताता है यहाँ पर। तो हम ऑर्डर कैसे करें, हम चीज़ों को ढूंढें कैसे, तो अभी तो ये मेरा टेम्पररी अकाउंट है। अगर मेरा परमानेंट अकाउंट बताओ, आपको नया अकाउंट बताओ, तो आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर ऐड होता है यहाँ पर। तो आप देख सकती हो कि दूसरे अकाउंट भी है यहाँ पर, सेलर अकाउंट। तो सेलर अकाउंट मैंने आपको कहा था कि जो आप सेल करना चाहते हो वो यहाँ पर किस तरह से आपको ऐड करना है, तो आपको ई कॉमर्स या नेक्स्ट बिग सेल चैनल एंटर करनी होती है यहाँ पर। तो कोई भी यहाँ पर जैसे क्यू सेल करना चाहिए हमें, तो ई कॉमर्स है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिस्टम है यहाँ पर। और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग सेल्स करते हैं वो अपनी बिग चैनल की तरह अपना जो है प्रोडक्ट बिना कोई पैसे के इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर, वैसे हमारा बैंक के अंदर खाते में आता है यहाँ पर पैसा। और यहाँ पर हमारा जो बहुत ही अलग अलग यहाँ पर कस्टमर बढ़ते हैं यहाँ पर, और कस्टमर के साथ साथ जो टाइमली जो पेमेंट होती है वो अमेजोन के थ्रू ही होती है यहाँ पर। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें अमेजोन के ऊपर सेल करना सीखना है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब
पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, फिर हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।